जम्मू कश्मीर की सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। नमस्कार, मैं ही आनेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर अट्रैक्ट हुए, क्योंकि जितने ज़्यादा इंसेंटिव्स एसोसिएटेड थे इस न्यू पॉलिसी के साथ, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाहरी राज्यों से आए और जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लैंड भी देखी और साथ ही साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उनको जो इंसेंटिव्स भी मिलने थे उसके लिए अब जम्मू कश्मीर में 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल जम्मू कश्मीर की सरकार ने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल मिला है, वहीं जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल मिला है। तो कहीं ना कहीं जम्मू में 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा जो हैं अप्रूवल दिया गया है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में। वहीं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आ गई है, आपको पूरी जानकारी अगर दूं मैं तो। पहले जो टारगेट था वो 28,000 करोड़ का था कि इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में इस साल तक आएगी, पर जिस तरीके से टारगेट 23,000 करोड़ का था पर 28,000 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है, जिसके चलते अब जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की उन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कर ली है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हुए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से। अब इस साल के अंत तक 30,000 या 35,000 करोड़ रुपीज़ का टारगेट जम्मू कश्मीर की सरकार ने सेट कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 50,000 करोड़ रुपीज़ का टारगेट सेट कर लिया है कि अब 50,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर तक जो है वो अटैक की जाएगी और जम्मू कश्मीर में उसके लिए लैंड एलोकेशन भी की जाएगी और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल भी दिया जाएगा, जिसके लिए डेलीगेशन जो है जम्मू कश्मीर की डेलीगेशन गवर्नमेंट की डेलीगेशन दिसंबर के महीने में दुबई जा सकती है, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। और दुबई में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिसंबर जो है वो पीक टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। तो जम्मू कश्मीर की सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई से भी अट्रैक्ट की जाए। वहीं अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हुई हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसज़ जो हैं वो जापान और दुबई की ओर से भी कर दिए गए हैं कि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो होने वाली है। अब बात करें अगर जम्मू और कश्मीर में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा रही है, तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर जो हैं ओवरऑल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें JSW है जिनको प्रोफाइल शीट मेकिंग के लिए लैंड एलोकेट कर दी गई है पुलवामा में साउथ कश्मीर में। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी काफ़ी अलग अलग तरीके के चीज़ें जो हैं जिसके प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल मिला है। बात करें अगर फूड प्रोसेसिंग, बेवरेजेस और प्रोफाइल शीट इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स के लिए जम्मू में अप्रूवल मिला है। साथ ही साथ जो लैंड दी जा रही है, जिन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा रहा है, उसमें ये चीज़ ध्यान में रखी जा रही है कि जो प्रोजेक्ट्स बाद में भी फ्रूटफुल साबित हों सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल दिया जाए। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, तो जिसके चलते सीमेंट कंपनीज़ को जो है उस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा। जम्मू की बात करें तो जम्मू रीजन में फूड प्रोसेसिंग, बेवरेजेस और प्रोफाइल शीट मेकिंग जो सेक्टर्स हैं, इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अप्रूवल मिल गया है। वहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें तो अब वो हिमाचल प्रदेश से जम्मू भी आ सकती हैं। सोर्सेज के हवाले से एक और अपडेट आ रहा है कि जिस तरीके के इंसेंटिव्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हैं वो भी जम्मू कश्मीर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जम्मू कश्मीर में आ सकती हैं। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में किस तरीके के सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है या किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आने वाले दिनों में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स वहां पे देखने को मिलेंगे, हेल्थ केयर, वेलनेस सेंटर, टूरिज्म, एप्पल एंड फूड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, BPOs, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब सेक्टर्स में जो है वो कश्मीर में आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। सरकार ने जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी तो 23,000 करोड़ रुपीज़ का जो प्रोजेक्ट्स का टारगेट है वो रखा गया था और बोला गया था कि 4 से 5 लाख तक जॉब्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के यूथ को मिलेंगी, पर अब टारगेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है और अब टारगेट को भी बढ़ा दिया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके एंड तक 50,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो देखी जा सकती है। अब टारगेट बढ़ा दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने और साथ ही साथ जितने युवाओं को जॉब्स मिलेगी, चाहे वो स्किल्ड हैं अनस्किल्ड हैं,
उसका टारगेट भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आने वाले दिनों में 1,00,000 तक के जो नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर में और बढ़ सकती हैं प्राइवेट सेक्टर में। और साथ ही साथ अगर लैंड की बात करें तो जिस तरीके से जो टारगेट पूरा हो गया और अब ज़्यादा का टारगेट सेट कर दिया गया है, 23,000 करोड़ से 50,000 करोड़ का टारगेट सेट कर दिया गया है, तो अब उसके लिए लैंड को भी बढ़ाने की बात की जा रही है कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती हैं तो और लैंड भी दिया जाएगा, लैंड एक्विजिशन के ऊपर भी काम किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर की यूथ कहीं ना कहीं होपफुल ज़रूर है कि जब ऐसी इंडस्ट्रीज आएंगी, प्राइवेट कंपनीज आएंगी, तो उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। पर कहीं ना कहीं जो अभी तक वादे किए गए हैं उससे युवा नाराज नज़र आ रहा है। ये भी कहना है कि अभी तक बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के भी वादे किए गए वो नहीं मिले। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं का भी एक सवाल है कि क्यों जो बाहरी कंपनीज़ हैं, बाहरी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका हाल इस समय बुरा है, तो क्यों उनके उनके लिए फोकस क्यों नहीं किया जा रहा, उनके लिए कोई सब्सिडी या इंसेंटिव्स जो हैं वो न्यू सब्सिडी या इंसेंटिव्स क्यों नहीं लाए जा रहे, ताकि वो भी इस कोरोना पेंडेमिक के बाद इजिली सर्वाइव कर पाएँ या आने जो कॉम्पिटिशन आएगा उसमें कम्पीट कर पाएँ। चलिए इसी सवाल के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।